हेलो, माय नेम इज़ ध्रुविन दोषी एंड आई एम अ रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट श्री चैतन्य। हमारे सर ने बोला था कि जो लास्ट डे है ना, तभी 5-6 बजे तक जो भी पढ़ना है पढ़ो, फिर सब बुक्स बंद करो, जो टाइम पास करना करो। तो वही तब तक मैंने सब करना सब बंद कर दिया। फिर मैंने मूवी देखा था, धूम 3 देखा था मैंने मम्मी पापा के साथ। वो ख़त्म हुआ फिर अराउंड 11 बजे सोने चला गया। बट वो दिन नींद उतनी अच्छे से किसी को भी नहीं आएगी, क्योंकि वही दिमाग तुम लोग का फाइनली ऐसा फोकस है कि कल फाइनल एग्जाम है। जैसा आई गेस 1-1.5 घंटा जितना तो मैं बेड पे ही घूमता रहा था कि नींद आ जाए नींद आ जाए। वैसे फाइनली आँख लग गई। फिर सुबह उठा, गाड़ी में पापा ने बिठाया, गाड़ी लेके गए, मैं गाड़ी में भी सोता रहा। फिर पहले पेपर कैसे 3-4 मिनट एंट्री होता है, उसके पहले उठाया, 1-2 5 स्टार खिलाई मम्मी ने, फिर बैग लेके अंदर चला गया। अब पेपर के वक्त भी मतलब मैंने उतना सोचा ही नहीं कि मेरी फाइनल एग्जाम है, मैंने सिर्फ क्लास के एग्जाम देते हैं ना, वैसा ही माइंडसेट रखे मैंने ये वाला पेपर भी दिया। क्योंकि वो इसमें अगर जितना फोकस करोगे फाइनल एग्जाम है फाइनल एग्जाम है, उतना दिमाग स्ट्रेस लेगा और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम पर से मैंने मेरा फोकस बढ़ा दिया कि सिले मिस्टेक्स नहीं करने हैं। और एक और चीज़ तो मेरे तीनों सर ने बोली, पहले पेपर के बाद किसी से बात ही नहीं करनी कि पेपर कैसा गया, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आया। कि बाई चांस भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा पता चला कि तुमने कोई गलती किया है, तो दिमाग फिर उसके बारे में ही सोचता रहता है। तुम लोग भले सोचो कि अब इसके बारे में नहीं सोचना, बट वो बैक ऑफ द माइंड में चालू रहता है। और जब सेकेंड पेपर के लिए जाओगे ना, तो वो तुम लोग के सेकेंड पेपर की परफॉर्मेंस को भी हिंडर करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, पेपर ख़त्म हो, आओ मम्मी पापा के साथ बैठो, खाना खाओ, थोड़ी देर सो जाओ, पर कुछ बात मत करो पेपर का। वैसे ही सेम सेकेंड पेपर भी पहले जैसे ही देना है, नॉर्मल माइंडसेट रख के, कुछ स्ट्रेस मत लो, जितना बेस्ट हो सकता है करो, जितने टाइम में जो कर सकते हैं करो, कौन से क्वेश्चन इजी लगे हो मार्क करो, कौन से लंबे हैं वो एंड के लिए बचाओ। वैसे फिर दोनों पेपर ख़त्म हो गए, कुछ टेंशन नहीं लेने का, घर जाओ सो जाओ, 2 साल की नींद पूरी करो।